अरे वॉच आउट, संभल कर वरना गिर जाओगे, क्या ये शब्द आपने भी कई बार सुने? इसी चीज को लेकर कुछ लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया। दो ऐसे ग्रुप बनाए गए, दोनों ग्रुप के बीच में बहुत सारे गड्ढे डाल दिए गए और बड़े बड़े गड्ढे कि जिसके अंदर कोई भी आदमी गिर सकता है। एक ग्रुप को कहा गया कि उस गड्ढों को आप संभाल कर जाओ वरना उस गड्ढे में आप गिर जाओगे, और दूसरे ग्रुप को कहा गया वहां पर एक तालाब है, वो आपका एंड पॉइंट है, वहां पर आपको हम मिलेंगे। जिन लोगों को कहा गया संभल कर गड्ढे में गिर जाओगे, तो उनमें से कई सारे लोग गड्ढे में गिर गए, और जिन लोगों को कहा गया कि तालाब के पास हम आपको मिलते हैं, वो आपका एंड पॉइंट है, वो लोग सही सलामत वहां तक पहुंच गए। तो ऐसा क्यों हुआ, रीजन समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों की जो विजुअल्स मेमोरी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जब भी आप उनको कोई भी सिचुएशन बता देते हो, तब उनकी आंखों के सामने एक बड़ा सा पिक्चर क्रिएट हो जाता है, और जब उनके सामने कोई भी नेगेटिव चीज अगर आप बोल देते हो, तब उनका हमेशा ध्यान उन नेगेटिव चीजों के ऊपर ही होता है। तो यहां से आगे ध्यान रखिएगा कि आपके सराउंडिंग में अगर किसी इंसान को आप कुछ शब्द बोल रहे हो, तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगा, थोड़ा सा अवेयर हो जाएगा कि क्या वर्ड्स आप यूज कर रहे हो। ऐसे ही माइंड पावर से रिलेटेड बेहतरीन वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने लव वंस को जरूर शेयर कीजिएगा।